नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो बड़ा समाचार आ रहा है वो है श्री गंगानगर से, जहां बारिश के साथ पड़े ओलों से लोगों ने गर्मी से राहत पाई। तीन चार दिन से पड़ रही तेज गर्मी के चलते जनमानस तो क्या, पशु भी विचलित हो रहे थे। आज दोपहर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और शुरू हो गई तेज बारिश। इस बारिश के साथ छोटे ओले भी गिरे। बारिश का बच्चों ने जमकर आनंद लिया, वहीं गर्मी से भी राहत मिली। एक तरफ जहां लोगों ने गर्मी से राहत पाई, वहीं बारिश ने किसानों को फिर से रुला दिया। श्री गंगानगर की नई धान मंडी गेहूं से भरी पड़ी है। यह गेहूं किसानों की है जो खुले में पड़ी है, जो बारिश में भीग गई। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश खदरिया ने बताया कि मंडी में लगभग 10 लाख कटे गेहूं के भरे पड़े हैं। उन्होंने बताया कि यह गेहूं किसानों ने सरकार को बेचा हुआ है, लेकिन जब तक सरकार इसे नहीं उठवा लेती तब तक यह गेहूं किसान का होता है, ऐसा नियम है। श्री खदरिया ने बताया कि किसानों का यह गेहूं भीगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। अगर FCI ने इस गेहूं को समय पर उठाया होता तो किसानों को राहत मिलती, न कि परेशानी होती। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज़ अपडेट होते ही आपके फ़ोन की घंटी बज जाए।